वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वीन ऑफ मेडिसिंस में, जहां आपको मिलती है मेडिसिंस के बारे में कंप्लीट एंड राइट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने डार्क स्किन से परेशान हैं, आपके फेस पे दाग है, धब्बे हैं और इससे आप बहुत ही ज़्यादा आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे क्रीम के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कि आपकी स्किन पे दाग धब्बे और या फिर झाइयों को ठीक करने में हेल्प करती है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात करने जा रही हूँ नो स्कार्स क्रीम के बारे में। देखिए, नो स्कार्स ये जो क्रीम है, इसका कंप्लीट रिव्यू जानेंगे आज कि इसका यूज़ कैसे करना चाहिए, कितने दिन तक आपको करना चाहिए, क्या इसके यूज़ करने का सही समय होता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ जानकारियाँ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके फिर साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए अधूरी जानकारी के बिना आप कोई भी मेडिसिन का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और हाँ, अगर आप इन्फॉर्मेशन कंप्लीट चाहते हैं तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना होता है। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। जब मैं बात कर रही हूँ नो स्कार्स क्रीम के बारे में, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसको किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये टॉर फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। अगर इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो ये लगभग आपको 259 रुपीज की मार्केट प्राइस पर किसी भी मेडिकल स्टोर पर इजिली मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर इसमें कंटेंट के बारे में बात करते हैं तो इसमें हाइड्रोक्विनोन है, टाइटिनॉल है और मेमेंटासोन, ये तीन इंग्रेडिएंट इसमें ऐड किए गए हैं। अब जान लेते हैं कि ये जो तीन इंग्रेडिएंट हैं, ये अपना वर्क कैसे करते हैं, मतलब कि इस ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो जो पहला कंटेंट है हाइड्रोक्विनोन, फ्रेंड्स ये जो होती है स्किन को वाइटनिंग करने के लिए मेडिसिन यूज की जाती है। तो जहां पे आपका कलर डार्क हो गया है या दाग हो गए हैं, धब्बे हो गए हैं, तो उसको ये साफ करने का काम करती है। और वहीं पे फ्रेंड्स जो दूसरा है ट्राइटिनॉल का जो वर्क होता है फ्रेंड्स, ये एज अ या आप ये समझ लीजिए एक फॉर्म होता है विटामिन ए का। तो जो इससे न्यूट्रिशन मिलते हैं वो आपकी स्किन को ग्लो बनाते हैं, या फिर आप ये समझ लीजिए कि स्किन को रिन्यू करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। जो तीसरा है मोमेंटासोन, फ्रेंड्स मोमेंटासोन जो होता है ये एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है। ये जो अगर आपकी स्किन पे रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग होती है, ईचिंग होती है, उसको कंट्रोल करने का काम करती है। फ्रेंड्स, हमारी स्किन में या बॉडी में आप समझ लीजिए प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट जो होता है उसको ये इनहिबिट कर देता है, मेमेंटासोन जो होता है। तो ये इनहिबिट होने के वजह से आपकी जो स्किन पे रेडनेस थी, स्वेलिंग थी, ईचिंग थी, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है या फिर तुरंत से कम होना शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, ये तो इसका काम करने का तरीका था। अब इसे यूज कैसे करते हैं, तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये नाइट क्रीम होती है, आपको दिन में या फिर सनलाइट में इसका यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। आप रात में सोते टाइम इस क्रीम का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छे से पानी से वॉश कर लीजिए, उसके बाद में आप थोड़ा सूखने के बाद में या फिर टॉवल से पोंछ के सुखा लीजिए, फिर आप जो अफेक्टेड एरिया है वहां पर इस क्रीम को धीरे से हल्के से लगाना है, बहुत ही ज्यादा इसको स्क्रब नहीं करना है, रगड़ना नहीं है बहुत ज्यादा, और लगाने के बाद में आप सो सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको जो यूज करना रहता है बहुत लंबे समय तक यूज नहीं करना चाहिए। और अगर आप इस क्रीम का यूज कर रहे हैं या किसी भी क्रीम का यूज कर रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लें, क्योंकि आपकी स्किन किस टाइप की है, कौन सी क्रीम आपको सूट करेगी या नहीं करेगी, ये आपको देख के आपका डॉक्टर ही बता सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको बहुत लंबे समय तक यूज कर रहे हैं बिना डॉक्टर के सलाह के, तो कुछ इसमें साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। अगर साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, आपके अगर लंबे समय तक यूज करते हैं तो स्किन पे हेयर भी कई लोगों को आ जाते हैं, आपको फील होगा कि हाँ यहाँ पे चीक पे या फिर गले के पास में हेयर निकलना शुरू हो गए हैं। तो आप इसलिए बहुत लंबे समय तक इसका यूज ना करें, जितने दिन आपके डॉक्टर ने या आपके केमिस्ट ने बताया है उतने समय तक ही इसका यूज करें। और फिर किसी किसी को बर्निंग सेंसेशन टाइप से भी फील होने लगता है, ये चेहरे पे रेडनेस आ जाती है, जो लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं या फिर दिन में भी यूज कर लेते हैं उनके फेस पे या आपने देखा होगा कि रेड रेड टाइप से दिखने लगता है। तो फिर इससे साइड इफेक्ट से बचना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज आपकी स्किन पतली हो सकती है,
आपको बहुत हल्का हल्का या फिर इचिंग टाइप से रेडनेस जैसी फील होती रहेगी। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी नो स्कार क्रीम के बारे में। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।